ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। पटना की सड़कों पर अब भारत बंद का असर दिखने लगा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर हम मौजूद हैं, जहां पर चारों तरफ से भारत बंद को समर्थन देने वाले लोगों की भीड़ जो है वो भर चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहां पर मौजूद है और बैरिकेड लगा करके प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को जो है रोक दिया गया है। ये लोग पटना जंक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल डाक बंगला चौराहे के पास ही इन्हें रोक दिया गया है। हमारे साथ प्रदर्शन करने वाले कुछ लोग हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है भारत बंद जो है सफल हुआ है? सफल हुआ है, संपूर्ण भारत सफल हुआ है। भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1 अगस्त को जो फैसला आया है एससी में वर्गीकरण करने के लिए, इसके विरोध में आए हैं, क्रिमी लेयर के विरोध में आए हैं और कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने के लिए आए हैं। हम सड़क पर आए हैं भारतीय संविधान को बचाने के लिए। अगर इस देश में से भारतीय संविधान नहीं बचेगा तो आरक्षण नहीं बचेगा। इसे छेड़छाड़ करना बंद करें। चलिए तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ढोल नगार जो है बजा करके जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या जय भीम, भारत बंद सफल? हाँ, एकदम सफल होगा। आदरणीय भानुकुमारी महाती जी ने पूरे देश प्रदेश में बोला है कि एससी एसटी वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और एससी एसटी को जो हक हिस्सा है उनको पूरी तरह मिले, भारतीय संविधान को लागू करे ये सरकार है, मोदी सरकार। देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तमाम जो दलित नेता है वो भी पहुँच चुके हैं और किस तरीके से पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। और देखिए किस तरह से जोर जोर से नारेबाजी जो है वो की जा रही है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पटना के बीच डाक बंगला चौराहे पर ये नारेबाजी जो है की जा रही है। क्या कहेंगे, बंदी सफल हो पाया आप लोग? ये सुप्रीम कोर्ट का तानाशाही डिसीजन है। ये सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के साथ हमेशा छेड़छाड़ करते आया है, क्योंकि एससी एसटी का अभी भी न्यायपालिका में हो, हायर एजुकेशन में हो, क्लास ए नौकरी में नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट निरंतर तानाशाही रवैया अपना कर तो संसद को कानून बनाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ करता है आरक्षण से ताकि एससी का जो है तो विकास हुआ उसमें बाधा उत्पन्न हो सके। हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से इसको संसद में कानून लगा के इसको जो है इसको पलटा जाए। ये तस्वीर देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो लगी हुई है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि सड़क से ये लोग जो है वो दूर हट जाएं। देखिए किस तस्वीर तरह से, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारी के बीच जो है बातचीत जो है वो जारी है, नोकझोंक जो है वो चल रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर इन लोगों को समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, धक्का दे करके प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस बल जो है वो खुद मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से ये दलित का बेटा जेल जाने से नहीं डरता है, दलित का बेटा जेल जाने से नहीं डरता है। आप दलितों का बात किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारी के बीच जो है नोकझोंक देखने को मिल रही है और यहाँ पर अफरा तफरी जैसी स्थिति जो है वो थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो बीच सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। और देखिए किस तरह से धक्का मुक्की जो है वो जारी हो गई है। देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों को धक्का मुक्की जो है वो की जा रही है। तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर यहाँ पर से हटाया जा रहा है। तस्वीर देखिए हम एकदम ये देखिए किस तरह से यहाँ की तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनको धीरे धीरे करके उनको बीच सड़क से हटाया जाने लगा है। पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और खूब नोकझोंक जो है वो देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो लोग शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल का कहना है कि आप लोग बीच सड़क से हटकर साइड में जो है वहां पर खड़े हो और वहां पर प्रदर्शन करें। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।